स्वयंभू संत आसाराम बापू के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने के 5 साल बाद जोधपुर की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अदालत ने 2013 के इस मामले में बुधवार को उन्हें दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद ही कोर्ट ने आज ही सजा का ऐलान भी कर दिया। नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो दोषियों शिल्पी और शरद को 20-20 साल की सजा भी सुनाई गई। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में 4.5 साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम का फैसला आज सुनाया गया। मजिस्ट्रेट मधुसूदन शर्मा ने दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया, जिसमें आसाराम को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। साथ ही सह आरोपियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फैसला आने के बाद आसाराम सिर पकड़कर रोने लगे। कोर्ट के अहम फैसले से यह तो साफ हो गया कि अब आसाराम कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जज ने कहा कि आसाराम मौत तक जेल में ही रहेगा। न्यायाधीश मधुसूदन ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जोधपुर केंद्रीय कारागार के अंदर अपना फैसला सुनाया। आसाराम इसी जेल में बंद है। इससे पहले आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने शिल्पी और शरद को भी दोषी माना, जबकि शिवा और प्रकाश को इस मामले में बरी कर दिया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे जज ने आसाराम शिल्पी और शरद को सजा सुनाई। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और शिल्पी शरद को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक किशोरी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद 2013 में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। किशोरी ने उन पर अगस्त में जोधपुर आश्रम में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता मध्य प्रदेश में आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में 12वीं की छात्रा थी। साथ ही इसके अलावा आसाराम पर यौन उत्पीड़न के 2 मामले और भी दर्ज हैं। एक मुकदमा यहां राजस्थान में चल रहा है, जबकि दूसरा गुजरात में है। पॉक्सो में जो सेंटेंस प्रोवाइडेड है और जो इंडियन पिनल कोड में सेंटेंस प्रोवाइडेड है, उन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो माना जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें आसाराम को अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद से भी ज्यादा होती है, और 376D यानी कि गैंग रेप में भी आसाराम को जो है वो 20 अंतिम सांस तक की उम्र के लिए अंतिम सांस तक के लिए उन्हें जेल में ही रहने का जो है आदेश दिया है। 1,00,000 रुपए का वो भी दिया है, और जो भी सेंटेंस ये फाइन जो इम्पोज किया गया है वो टोटल फाइन अलग अलग हेड्स में 5,00,000 रुपए का होता है, जो आफ्टर रिकवरी दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी गिवन टू द विक्टिम फॉर सोलेस एंड ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट द लंडन ट्रायल कोर्ट हैज आल्सो गिवन अ डायरेक्शन टू द लीगल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड एडिक्वेट कंपनसेशन टू द विक्टिम। 370D में भी उनको जो है 20-20 साल का सश्रम कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। एंड द लंडन ट्रायल कोर्ट व्हाइल अवॉर्डिंग द सेंटेंस हैज टेकन नोट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द पॉक्सो एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर इन्फ्लिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस विच इज ग्रेटर इन डिग्री, यानी कि जो पॉक्सो में जो सेंटेंस प्रोवाइडेड है और जो इंडियन पिनल कोड में सेंटेंस प्रोवाइडेड है, उन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो माना जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें आसाराम को अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद से भी ज्यादा होती है। आसाराम को इंदौर में गिरफ्तार कर 1 सितंबर 2013 को जोधपुर लाया गया था। वह 2 सितंबर 2013 से न्यायिक हिरासत में है। उनके खिलाफ आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश रचने और यौन उत्पीड़न समेत कई अन्य आरोप लगाए गए। पुलिस द्वारा 6 नवंबर 2013 को पॉस्को, किशोर अधिनियम और IPC की विभिन्न धाराओं में आसाराम और 4 अन्य सह आरोपियों शिल्पी, शरद, शिवा और प्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।